गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1.1, दैट इज चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिगर गिवन है आपके पास, दिस इज द फिगर गिवन टू यू। इन द गिवन फिगर साइड ए सी, साइड ए सी इज इक्वल टू साइड ए ई, दोनों साइड ए सी और ए ई बराबर दिए हैं। ए बी एंड ए डी आर ऑल्सो गिवन इक्वल एंड एंगल बी ए डी, दिस एंगल बी ए डी, ये मान मैंने इसको एंगल वन से नेमिंग की है, बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, तो ई ए सी को मैं एंगल टू से नेमिंग, दैट मीन्स एंगल वन और एंगल टू आपके पास इक्वल दिए हुए हैं। सो आपको प्रूफ के लिए क्या बोला गया, शो दैट बी सी साइड और डी ई साइड बताइए आपस में इक्वल है, बी सी एंड डी ई आपको बताना है दे आर इक्वल। ठीक है बच्चों, सो प्रूफ करते हैं स्टार्ट। देखिए आपके पास गिवन क्या है, बी ए डी एंगल और ई ए सी एंगल इक्वल बिकॉज इट इज गिवन टू यू, ये आपके पास गिवन है। नाउ बी ए डी को हमने एंगल वन से मेंशन किया है और ई ए सी को एंगल टू से, वन और टू इक्वल है। तो अगर मैं ये वाला एंगल को कंसीडर थ्री कर रहा हूं, एंगल थ्री मान के चलो, तो आप ये देख लीजिए, अगर मैं बी ए डी है ये ट्राइंगल ए, दिस इज ए बी डी, तो ये आपका एंगल वन है। अगर इसके साथ हम थ्री एंगल, ये वाला एंगल, एंगल वन और एंगल थ्री को कंबाइन कर लें, तो आपके पास ये पूरा एंगल बन जाएगा बी ए सी, दिस एंगल वन और थ्री मिलके। तो हम एडिंग अगर लिखेंगे, एडिंग एंगल थ्री टू बोथ साइड्स, वी गेट और वी हैव एंगल वन प्लस एंगल थ्री और एंगल टू प्लस एंगल थ्री। नाउ एंगल वन प्लस एंगल थ्री किस नाम से आप लिखेंगे, बी वन और थ्री मिलके ये बनाएंगे बी ए सी, सो एंगल बी ए सी आ जाएगा आपका एंगल। अब ये टू प्लस थ्री जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टू प्लस थ्री मीन्स अगर हम यहां से हटा के इसको, ये आपके पास एंगल है, दिस इज एंगल टू, और यहां से इसको जोड़ देते हैं हम, एंगल एंगल टू और एंगल थ्री का मेजर कितना बन जाएगा, एंगल टू और थ्री कंबाइन जब हो गए तो ये आपका ई ए सी, मतलब ये दो एंगल जब कंबाइन होंगे, एंगल टू और एंगल थ्री विल गेट ई ए सी, ई ए सी, ठीक है, या आप डी ए सी भी कह सकते हैं। नाउ डी ए सी भी लिख सकते हैं आप इसको, डी ए सी, सॉरी डी ए सी, ये पूरा कंबाइन एंगल आ गया डी ए ई, सो टू और थ्री मिलके डी ई, डी ए ई बन गया। नाउ अब हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें तीन पार्ट्स का इक्वल करना जरूरी है, और बाकी जो तीन पार्ट्स बचते हैं वो आपको सीपीसीटी में आते हैं। सो नाउ बी ए सी का ए बी, ये ए बी आपको दिया है ए डी के बराबर, दिस इज गिवन टू यू, तो पहला पार्ट आ गया। सेकेंड, अभी आपने प्रूव किया एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, ये अभी आपने जस्ट प्रूव भी लिख सकते हो, और या इसको आप क्या कह सकते हो, प्रूव अबव। और तीसरी चीज, इस देखो, इस ट्राइंगल का ए बी जो था वो इस ट्राइंगल के ए डी के बराबर, ठीक है बच्चों, ए बी और ए डी, फिर इस ट्राइंगल का बी ए सी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू डी ए सी, इस एंगल के बराबर। और तीसरी चीज, इस ट्राइंगल का ए सी जो है किसके बराबर है, इस ट्राइंगल के ए ई के बराबर, ठीक है ना, ए सी और ए ई जो बराबर है, तो ए सी इज इक्वल टू ए ई। अब देखो कॉरेस्पॉन्डेंस, ए बी का ए डी, एंगल बी ए सी का एंगल डी ए ई, और ए सी का कॉरेस्पॉन्डेंस ए ई, तो ये आपका गिवन था। सो देयर फोर बाय साइड एंगल और साइड, एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल क्या आया आपके पास, आया ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ए ई। तो सीपीसीटी में बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, आपका इसका साइड बी सी जो होगा
वो किसके बराबर? आपका BC इज इक्वल टू DE आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड।